हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 BHK का फ्लैट जो कि 95 स्क्वायर यार्ड्स में बना हुआ है। इस फ्लैट में आपको लिविंग के साथ डाइनिंग का स्पेस भी मिल जाता है। ये एक लोनेबल प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम आपको 80-90% का लोन करवा कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा होम एंड लोन लिंकर्स का प्लेटफॉर्म है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। हम आपको होम और लोन दोनों ही प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको किसी और प्रॉपर्टी के लिए होम लोन, बैलेंस ट्रांसफ़र, कंस्ट्रक्शन लोन, पर्सनल लोन या लैब की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम उसमें भी आपकी सहायता करते हैं क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। एक बार इस फ्लैट का क्विक हाईलाइट देख लीजिए, देन मैं आपको फ्लैट की विजिट करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आ जाता है हमारा फ्रंट का एलिवेशन जो कि ब्राउन एंड ग्रे कलर की टाइल का वर्क से बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। बिल्डिंग में एंट्रेंस के लिए आपको एक नहीं बल्कि 3 गेट मिल जाते हैं ताकि आप अपने व्हीकल को इजीली पार्क कर सकें। एक बार इसका फ्रंट रोड देख लेते हैं। ये फ्रंट रोड हमारा 20 फीट वाइड रोड रहने वाला है और फ्रेंड्स, इस रोड में सीवरेज की पाइपलाइन लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं सीधा पार्किंग के अंदर। ये आ जाती है हमारी स्पेशियस सी पार्किंग जो कि यू शेप में बनी हुई है। यहाँ पर आप अपने व्हीकल को पार्क करेंगे तब भी काफी स्पेस बच जाता है। ऑलरेडी यहाँ पर कई कार्स पार्क हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि काफी स्पेस बचा हुआ है। फॉल सीलिंग में भी हम आपको डिजाइन बनाकर दे रहे हैं और आपको यहाँ पर 4 फीट तक हाइट का टाइल वर्क देखने के लिए मिलेगा। ये बिल्डिंग 2 साइड ओपन बिल्डिंग रहने वाली है। सामने की तरफ मिल जाता है आपका मोटर का प्रोविजन और स्टेयर्स का एरिया जहां पर आपको रेलिंग भी लगी ही मिलेगी। इसके स्टेप्स काफी छोटे और वाइड बनाए गए हैं। स्टेयर्स के फ्रंट में ही आपको मिल जाता है लिफ्ट का एरिया। लिफ्ट अभी वर्किंग में है जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए यहीं से होते चलते हमारे सीधा फ्लैट के अंदर। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, ये आ जाता है हमारा स्पेशियस सा 95 स्क्वायर यार्ड्स का बना हुआ 3 BHK का फ्लैट। ये लिविंग एरिया एल शेप में बना हुआ है जहां पर आपको डाइनिंग का स्पेस भी मिलता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। सोफा इंस्टॉल करने के बाद भी आपका काफी स्पेस बच जाता है। हमने यहां पर एल टाइप का सोफा इंस्टॉल किया है। आप चाहे तो इससे बड़ा सोफा भी आप इधर इंस्टॉल कर सकते हैं, तब भी आपको काफी स्पेस बच जाएगा। लिविंग हॉल की वॉल पर हम आपको WPC लोअर प्लस PVC शीट का वर्क करके दे रहे हैं जहां पर आपको प्रोफाइल लाइट लगी हुई मिलेगी।
इससे इस लिविंग हॉल की ब्यूटी और भी ज्यादा इन्हेंस हो रही है। फॉल सीलिंग में काफी यूनिक डिजाइन हम आपको बनाकर दे रहे हैं, जो देखने में काफी ही सुंदर लग रहा है, जहां पर आपको दो फैंस और सैंडलर लगा हुआ मिलेगा। जहां पर आप अपना सोफा इंस्टॉल करेंगे उसी के फ्रंट में मिल जाता है आपको टीवी पैनल, जहां पर आप अपना 50 इंच का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट एंड ब्लैक में ये काफी ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। ऊपर की तरफ आपको शेल्फ मिल जाते हैं अपना सामान रखने के लिए, और नीचे की तरफ आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं। और इस तरफ आ जाता है हमारा डाइनिंग का स्पेस, जहां पर आप अपना 4 सीटर का डाइनिंग इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी वॉल को हमने काफी ही डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया है, जहां पर आपको 2 वॉलपेपर लगे ही मिलेंगे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं। हाइलाइटर के लिए हमने यहाँ पर ग्रे कलर के बॉर्डर का यूज किया है। तो चलिए चलते हैं अब सीधा हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर। ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि मास्टर बेडरूम है। इसका साइज 10x14 फीट का रहने वाला है। बेड लगने के बाद आप देख सकते हैं कि काफी ही स्पेस बच जाता है लेफ्ट राइट और फ्रंट साइड में। बेड हेड पर हम आपको वॉलपेपर लगाकर दे रहे हैं। फॉल सीलिंग में काफी ही यूनिक डिजाइन हम आपको बनाकर दे रहे हैं, जहां पर आपको मून लाइट का वर्क देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, तो इसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा ही मिलेगा। ये आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, जो काफी स्पेशियस रहने वाला है। अभी यहाँ पर सैनिटरीज नहीं लगी हैं, जितनी भी सैनिटरीज लगा कर देंगे सब आपको प्रीमियम क्वालिटी की ही लगा कर देंगे। आपको यहाँ पर टॉप तक टाइल का वर्क मिल जाता है, और वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाती है विंडो। रूम में भी आपको यहाँ पर शाफ्ट विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। और बेड के फ्रंट में मिल जाता है आपको वार्डरोब, जो कि टॉप तक बना हुआ है, तो स्टोरेज की कमी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। आपको ये फ्लैट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डाइनिंग के फ्रंट में ही आपको मिल जाता है किचन। ये किचन एक मॉड्यूलर किचन है, ये काफी स्पेशियस और लॉन्ग रहने वाला है, जहां पर इजीली 4 से 5 लेडीज खड़े होकर काम कर सकती हैं। ऊपर की तरफ स्टोरेज के लिए आपको कैबिनेट्स बनाकर दिए हैं। किचन का स्लैब हमने एल शेप में बनाया है। नीचे की तरफ आपको बकेट्स और ड्रॉर्स मिल जाते हैं। इस फ्लैट में अभी लाइटिंग का वर्क चल रहा है, जो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सामने की तरफ आपको नॉइस प्रूफ सिंक मिल जाती है, और वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाती है विंडो, जो कि बालकनी से अटैच है। हम आपको यहां पर चिमनी भी प्रोवाइड करवाते हैं। इस किचन में आपको रेफ्रिजरेटर रखने के लिए भी स्पेस मिल जाता है, जहां पर आप अपना डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड बेडरूम। ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। इसका साइज 10x12 फीट का रहने वाला है। किंग साइज का बेड इंस्टॉल करने के बाद भी बेड के लेफ्ट राइट और फ्रंट में काफी स्पेस बच जाता है। फॉल सीलिंग आपको काफी यूनिक डिजाइन में हम आपको बनाकर दे रहे हैं, जो कि डायमंड शेड में बना हुआ है। बेड के टॉप पर और लेफ्ट और राइट साइड में हम आपको वार्डरोब बनाकर दे रहे हैं, ताकि आपको स्टोरेज की कोई भी कमी ना हो। वेंटिलेशन के लिए आपको इस रूम में मिल जाती है विंडो, और ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन। तो चलिए चलते हैं हमारे बालकनी में। ये आ जाती है हमारी एक प्यारी सी बालकनी, जो काफी अच्छे साइज में बनाकर दी गई है। आपको बालकनी में टॉप तक टाइल का वर्क देखने के लिए मिलेगा।
सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर आपको 4 फीट तक की रेलिंग लगा कर दी है। तो चलिए चलते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम की ओर। ये आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम जो कि काफी लॉन्ग रहने वाला है। टॉप तक आपको टाइल का वर्क देखने के लिए मिलेगा। इस टाइल का कलर कॉम्बिनेशन ग्रे एंड व्हाइट में काफी अच्छा लुक दे रहा है। सामने की तरफ आपको शीट मिल जाती है। अभी सैनिटरी नहीं लगी है, जितनी भी सैनिटरी आपको मिलेंगी सब प्रीमियम क्वालिटी की ही लगी हुई मिलेंगी। और ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। इसका साइज भी 12x10 फीट का रहने वाला है। किंग साइज का बेड लगाने के बाद भी आपके बेड के लेफ्ट राइट और फ्रंट साइड में काफी स्पेस बच जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फॉल सीलिंग में आपको काफी यूनिक डिजाइन हम बनाकर दे रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए इस रूम में भी विंडो और विंडो एसी का प्रोविजन आपको मिल जाता है। फ्लैट के 2 रूम्स आपको बालकनी से अटैच मिल जाते हैं जो कि अलग अलग बालकनी है। तो ये आ जाती है हमारी सेकंड बालकनी। ये बालकनी भी काफी अच्छे साइज में बनाकर दी गई है, जहां पर आपको टॉप तक टाइल का वर्क देखने के लिए मिलेगा। और सामने की तरफ हम आपको टैप लगा कर देंगे ताकि आप अपनी वॉशिंग मशीन को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकें। इस बालकनी की रेलिंग को भी 4 फीट तक की हाइट का बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको वीडियो में ही इस फ्लैट का लेआउट समझाने की, बट आप एक बार इस फ्लैट की विजिट जरूर करने आए ताकि आप इसको फ्लैट को और अच्छे से समझ पाएं। अगर आपको इस फ्लैट का प्राइस जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, हम आपको प्राइस जरूर बताएंगे। और प्लीज़ इस प्रॉपर्टी का कोड नंबर जरूर बताएं ताकि हम इजीली आपको बता सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।